सावर के लिए खेल रहे, हमने सब चीज डाल दिया लेकिन दाल हमने नहीं डाली। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सुनेहास ब्लॉग। तो अभी वैसे तो गुड मॉर्निंग, मतलब अभी मॉर्निंग है नहीं, लेकिन मैं आप लोग को मॉर्निंग कह दे रही हूँ इसी तरह। वैसे तो अभी आफ्टरनून है, तो मैं आफ्टरनून भी बोल देती हूँ, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू सुनेहास ब्लॉग। तो अभी हो गया है लंच का टाइम, वैसे लंच का टाइम अभी क्रॉस हो रहा है और सारे मतलब एक बज चुकी है, क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा, मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि शायद अभी एक बज चुकी है और अभी तक लंच प्रिपेयर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बहुत घर में सभी कोई है तो इधर उधर करते करते टाइम जो है वो कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आप लोगों को पता है कि अभी जो है वो मैं ही खाना वाना बना रही हूँ, तो अभी मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। दो दिन से तो नॉनवेज चल रहा था, वैसे कल मैंने मटन नहीं खाया था, आप लोगों को मैंने बताया, आप लोगों ने ब्लॉग मेरा देखा भी होगा। तो अभी मैं सिंपल बनाऊँगी चावल एंड मेरे हस्बैंड बनाएंगे दाल पालक वाली, क्योंकि मुझे वो नहीं आता है और मुझे उनके हाथ की दाल पालक बहुत पसंद है। और मैं आलू गोभी भुजिया टाइप थोड़ा बनाऊंगी, मतलब मोटा मोटा सब्जी ऐसा ही मोटा मोटा काटूंगी, लेकिन वो मैं भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि मुझे जो है वो चावल में रस वाला सब्जी तो पसंद है लेकिन दाल के साथ नहीं, सिंपल चावल और रस वाली सब्जी दाल के साथ नहीं। और रोटी में मुझे भुजिया पसंद है, रस वाली सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चावल के लिए जो है वो पानी गैस पर चढ़ा देती हूँ। अब चला जाए फ्रिज को खोल के उसमें से सब्जी निकाल लें। ये रहा फ्रिज, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कीवी है, दो डब्बे में कीवी है, इसमें धनिया है तो मैं धनिया भी निकाल लेती हूँ, लेमन है क्योंकि हम लोग यहाँ सभी कोई लेमन वाटर पीते हैं सुबह, आप लोग को पता होगा। ये रहा हमारा गोभी और मैं पालक भी निकाल लेती हूँ और टमाटर, यस दो टमाटर हो गया। ये जो आप लोग को दिख रहा है किसान जैम, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैंने पटना से लिया था P&M मॉल से लास्ट ईयर, एक्सपायर हो गया ये, क्योंकि मैं इतना बड़ा वाला डब्बा जो ख़त्म ही नहीं कर सकी, ख़त्म कैसा, आधा भी ख़त्म नहीं हो पाया। और पर मुझे ये बहुत पसंद है, किसान का मिक्स्ड फ्रूट जैम, इसमें सिंगल सिंगल फ्रूट का भी आता है लेकिन मुझे मिक्स्ड वाला जो किसान का जैम आता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ। इसमें एक से इसमें मैं नेल पेंट रखती हूँ, ये चिल्ली सॉस है, सोया सॉस है, अब इतना है, वरना गर्मी का मौसम था तो इसमें कोल्ड ड्रिंक्स जो है पूरा भरा हुआ रहता। यहाँ पे चॉकलेट है। अब यहाँ पर दाल पालक के लिए मैं लहसुन छील रही हूँ, लहसुन छीलना जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम पास वाला काम है, मतलब अगर कोई काम नहीं करता है, मतलब जो खाना नहीं बनाते हैं वो बैठे रहते हैं साइड में, तो उनको लहसुन पकड़ा दीजिए तो वो छील लेंगे, लेकिन जो खाना भी बना रहा है और लहसुन भी छील रहा है ये बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग वाला काम लगता है, कि दोनों साइड दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि लहसुन छीलना ये सब जो काम होता है, धनिया काटना ये सब आराम से आराम वाला काम होता है, तो जो खाना भी बनाए जो लहसुन भी छीले ये तो भाई सर दर्द है एकदम। मैंने आप लोग को बताया कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में डील हुई है कि मैं जो हूँ दाल चावल सॉरी चावल सब्जी बनाऊंगी और वो जो है वो दाल पालक बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सब्जी में मैंने आप लोग को बताया कि मैं आलू गोभी को मोटा मोटा काट करके ढक ढक करके उसका भुजिया बनाऊंगी, रस वाली सब्जी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि रस वाली सब्जी बनाती तो मैं दाल नहीं बनाती, क्योंकि मुझे रस वाली सब्जी के साथ सिंपल चावल ही पसंद है। तो यहाँ पर मैं वही काट रही हूँ, मुझे सब्जी काटने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, पर ये वीडियो आप लोग को फास्ट में दिखेगी क्योंकि मैंने इसे स्पीड कर दिया, तो आप को लगेगा कि मैं जल्दी जल्दी सब्जी काट रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम लेकर के मैं सब्जी काटती हूँ। मैंने चावल बना लिया, यहाँ पर देखिए सब्जी चढ़ी हुई है, दाल पालक के लिए मैंने दाल भी सॉरी पालक भी मैंने धो के रख दिया है अच्छे से, मैंने टमाटर काट लिया, प्याज काट लिया, लहसुन काट लिया, मिर्च काट लिया, लेकिन जनाब जी को अब तक दाल पालक बनाने का फुर्सत नहीं मिला है, सब चीज़ मैंने कर दिया लेकिन जनाब जी आ नहीं रहे हैं किचन, मस्ती के साथ बैठ करके मम्मी के साथ गप्पे मार रहे हैं
और मुझ बेचारी को यहाँ आके छूटती है काम करने के लिए। अब बता, अब जाके मैं उनका क्लास लेने वाली हूँ कि भाई दाल पालक का बस तुम्हें बनाना है, उसमें इतना लेट क्यों कर रहे हो, सब चीज़ तो मैंने कर दिया, अब मैं उनकी क्लास लेने वाली हूँ। आप लोग देखिए मैं उनकी क्लास कैसे लेती हूँ। बस दाल पालक तुमको चलाना है, सब चीज हम कर लिए हो, नजाई में घुस के बैठे हो, चलो जल्दी देखो मेरा हाथ एकदम कैसे फूल फूल गया है। मम्मी मजा ले रही है, मम्मी मजा ले रही है सोने का, तुम चलो चूजा दाल पालक बनाओ। मम्मी को हम कंपनी दे रहे हैं, नया कहीं बीमार हो गई बस। हाँ देखो नया बची है। हाँ इसका स्टेमिना सही, स्टेमिना अच्छा है तो क्या इसका मतलब क्या तुम किचन में चलो चलो ना चल रहे नहीं चलो जल्दी मतलब फिर तुम यहाँ पे घुस जाओ रजाई में। चलो चलो इतना लेट लगता है बोलो तो चलो जल्दी। सब चीज हम कर दिए हैं। देखो यहाँ सब्जी भी चढ़ा हुआ है लेकिन तुम लेजी आदमी, तुम करते क्या हो, तुम करते क्या हो, तुम करते क्या हो। तुमको प्यार करते हैं बेबी, प्यार को प्यार करते हैं बेबी, बेबी बेबी को तरसाते हो बेबी। पानी तो नहीं मिला, प्यास लगी, बारीक कटा हुआ कहाँ कटी है तो बारीक। अब ये बारीक कटा हुआ अभी हम ही कर रहे हैं। हाँ बारीक काटना पड़ेगा उसको, इतना सा कर दो मेरा हाथ देखो फूल गया, प्याज भी वहाँ कटा हुआ, सब चीज हम कर दिया, मच्छा बच्चा की तरह सब चीज कर दिया, बस तुम दाल पालक कर दो ना। चलो करो ये क्या है बोलो, देसी घी लेकिन इतना क्यों दे रहे हो यार, वेट लॉस कर रहे हैं। वेट गेन करो, लॉस नहीं हो पाता मेरे से, वेट लॉस नहीं हो पाएगा। कितना मुश्किल से इधर 10 दिन में 1 kg वजन घटा है मेरा, फिर तुम बढ़ा दोगे। गेन कर पाएगा तो बोलो भाई। गाइस आप लोग इतना घी नहीं डालिएगा, ये जबरदस्ती मेरे अगेंस्ट जाकर के इतना घी डाल रहे हैं दाल में। गाइस पूरा घी डाली एकदम, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा प्रिपरेशन है, ये रहा पालक, ये रहा लहसुन, ये प्याज एंड मिर्च, ये टोमेटो और ये ढेर सारा घी जो कि नहीं देना चाहिए इतना। देसी घी खाओ एकदम। अब इसमें जाएगा पतंजलि, पतंजलि बंधानी, पतंजलि इस वाले प्रोडक्ट का मैं यूज कर रही हूँ पतंजलि का, वरना मैं नहीं करती हूँ। ये गया हींग, ओरिजिनल हींग पतंजलि का हींग कुकर, अच्छा बाबा रामदेव अपना खेत में उगाते हैं ना। ये प्याज एंड मिर्च जा रहा है, ओ माय गॉड मेरा कैमरा खराब हो जाएगा, ये कैमरा दो नंबर नहीं है, वन प्लस का है। ये लहसुन गया और स्मेल्स रियली गुड मैन, स्मेल्स रियली गुड। ये लहसुन गया, अब हमें इसे पकाना है क्या, कितनी देर पकाना है जनाब? अरे तो ग्रीन चिल्ली दिए हैं, लेकिन लाल मिर्च ज्यादा तीखा नहीं खाते। देखो प्याज जल रहा है, कम करो उसको, जलने दो ना यार, जलेगा तब मजा आएगा, जले हमारे दुश्मन। दाल दाल प्याज क्यों, दाल दाल में कुछ ना रेडी नहीं रखे हैं, दाल भी रेडी रखना था क्या, रुकावट के लिए खेल रहे, हमने सब चीज डाल दिया लेकिन दाल हमने रेडी नहीं रखा। अब ये हो गया हमारा अगेन से पोपट जनाब जी ने उसमें अभी टमाटर डाला है और क्योंकि प्याज जो है वो ब्राउन कुछ ज्यादा ही हो रहा था और दाल जो है वो अभी तक हमने लिया नहीं है। ये पालक गया, ये सारा पालक जो है वो जा रहा है इन कुकर, और दाल मुझे पहले से रेडी रखना था पर जनाब जी मुझे बताएंगे तब तो मुझे पता रहेगा, इन्होंने मुझे बताया ही नहीं तो ये इनकी गलती है, नॉट माय फॉल्ट। मैंने चावल बनाया है, सब्जी बनाया है, मैंने कट करके खुद से, अरे दाल ही का हो गया जल्दी यार, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ योर ब्यूटीफुल वाइफ। मॉर्निंग ये पीला वाला दाल को क्या बोलते हैं, अरहर ना, हाँ ये अरहर की दाल है, ये मूंग की दाल है, हमारे से मिस्टेक हो गई थी इसलिए यह भी डला रहा है, और ये मसूर की दाल है ना पिंक वाली, हाँ ये मसूर की दाल है। क्वांटिटी आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, ये हमारे घर का क्वांटिटी है इन्होंने डाला है, और ये यहाँ पालक डल के रेडी है लेकिन ये इन्हीं की गलती है पर ये अपनी गलती मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि दाल बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका था, ये क्यों नहीं दाल बनाए, क्यों नहीं दाल ये रखे, इंडिया वांट्स टू नो, पूछता है भारत क्यों नहीं दाल तुम्हें रेडी रखा। अब ये दाल का डायरेक्ट उसमें जाएगा, ठीक है जब उसमें जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अब ये जा रहा है इसमें टर्मरिक, हल्दी जा रहा है और नमक
ऑलरेडी जा चुका है इसमें, मैं आप लोग को दिखा नहीं सकी। और इसमें पानी कितना देंगे, वन कटोरी आदमी के अनुसार, आदमी के अकॉर्डिंग जितने आदमी का बना रहे। यहाँ पे चार आदमी के लिए बन रहा है इसीलिए उसके अकॉर्डिंग पानी जाएगा। फिर इसमें कितना सीटी लगाना है, छह सीटी लगाना है। उसके बाद मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी दाल का। ये रहा दाल का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी था। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे हम लोग